देखिए अभी मेरे से हरीश जी की बात हुई है, ध्यान से सुनिए। वो एक लेटर जो होना है, क्योंकि आज आश्वासन से कुछ नहीं, लिखित में होगा। ये नहीं है कि भाई वो हाँ हाँ बता देंगे, हो जाएगा जी, ये मान लिया जी बस, नहीं, लिखित में होगा, डिक्लेयर होगा पूरा। तो उसमें कुछ मतलब गलत था। जब हरीश जी गए, उन्होंने कहा कि ये नहीं, इसमें इसमें इसको करेक्ट करो, तो वो करेक्शन हुई है, अभी कर रहे हैं और वो पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक मेरी अपील है आपसे, आप तो ऐसे ही डिसिप्लिन है वैसे, कोई भी जब तक हमारा ये अनाउंसमेंट ना हो जाए तब तक कोई भी अपनी जगह नहीं छोड़े, कोई भी, मतलब हमने इतने दिन संघर्ष किया है, इतने दिन अपनी समय लगाया है, तन मन धन जिसे कहते हैं हमने दिया है। और एक बात मैं अपने दिल से महसूस करता हूँ, मेरे गीतों में भी आपने देख ली होगी, कि जब मातृशक्ति एक अगर एकजुट हो जाए, मातृशक्ति का मुकाबला कोई शक्ति कर नहीं सकती। यही धरना अगर कोई और दे रहा होता, जो डिसिप्लिन नहीं होते, जिनमें कोई इधर मुंह और कोई इधर मुंह होता, तो यहां पुलिस आपके ऊपर हावी हो जाती, आपको बैठने नहीं देती। लेकिन ये मातृशक्ति का डिसिप्लिन और एकता ने दिखा दिया, यहां आपने इसको चरितार्थ करके दिखाया। लोग बाग तो नारा लगाते हैं, लेकिन आपने इस नारे को हकीकत करके दिखा दिया, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, तो भाई टकराएगा, अगर मुट्ठी बंद से टकराएगा, और जो लोहा जो है उससे अगर टकराएगा तभी तो चूर चूर होगा ना, और जो बिखरा हुआ होगा, अलग अलग होगा, रेत होगा, तो उसे टकराएगा क्या, वो खुद ही चूर चूर है, दूसरे को क्या चूर चूर करेगा। जो खुद चूर चूर होते हैं वो दूसरे को चूर चूर नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, क्योंकि हम एक हैं, आशा बहन एक हैं। ये जो एक बात मैंने पिछली बार जब मैं आपके धरने पे आया था तो मैंने एक बात कही थी, आज उस बात को दोहराने के लिए फिर आपको एक दो मिनट ले रहा हूं मैं। मेरी वो बात थी कि जोश बहुत बड़ी चीज है, जोश बहुत बड़ी चीज है, जोश के बिना कुछ नहीं होता है, लेकिन उसके साथ होश भी होना चाहिए। अगर जोश के साथ होश नहीं होगा तो वो होश कभी कभी खराबी कर देता है। इसीलिए मैं जो आपको बता रहा था कि हमें ये जो आई इस हड़ताल से जो सीखे हैं, वो सीख अपने जीवन में भी लागू करनी है, मुझे समझदारी भी हासिल करनी है। अभी हमारे भवरपाल जी और कविता बहन ये आपको कुछ बता रही थी, भवरपाल ने बताया, कविता जी ने बताया कि ये जो लड़ाई है मेरी, रोज रोज की लड़ाई है, जो 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए बढ़ाने की लड़ाई, ये मेरी तनख्वाह बढ़ाने की लड़ाई, ये लड़ाई मेरी एक जगह तक है, लेकिन सवाल है कि मेरे जीवन में जो गुलामी है उसका क्या करूं, मेरे जीवन में जो समस्या है उनका क्या करूं, मेरा लड़का बेरोजगार है उसका क्या करूं, मेरा भाई बेरोजगार है उसका क्या करूं, मेरे पति की नौकरी का भरोसा नहीं है उसका क्या करूं, हमेशा छटनी की तलवार लटकी रहती है उसका क्या करूं, महंगाई रोज बढ़ रही है उसका क्या करूं, रोज महंगाई बढ़ रही है उसका क्या करूं, रोज बच्चों की फीस बढ़ा दी जाती है उसका क्या करूं,
बच्चों की शिक्षा नहीं है, इलाज और शिक्षा दो ऐसी चीजें हैं बहनों जो सरकार का काम होता है, सरकार का अपने नागरिकों के लिए सरकार का फर्ज बनता है कि वो सरकार नागरिक सुविधाएं प्रदान करे और शिक्षा और चिकित्सा की जिम्मेदारी खुद ले। लेकिन सरकार ने क्या कर दिया है, जिसके पास पैसा हो वो इलाज करा लो, जिसके पास पैसा हो वो अपने बच्चे को पढ़ा लो, नहीं तो मरो बेमौत और रहो अनपढ़। इसका क्या करूं, ये जो समाज में जो कुरीति फैली हुई है, जो व्याधि फैली हुई है, इसके खिलाफ भी तो मुझे लड़ना है। और जब तक मैं ये ना जान लूं, अच्छा कोई बीमार तो डॉक्टरी के उस पेशे के साथ जुड़े हुए गहरी से, अगर कोई बीमारी हो जाए उस बीमारी का कारण मुझे अगर पता ना हो तो मैं उस बीमारी का इलाज कर सकता हूं? नहीं हो सकता। कारण तो जानना पड़ेगा ना कि ये कारण क्या हो रहा है। आजादी के बाद मुझे माने हम कोई प्राइवेट स्कूल सुनते नहीं थे कि प्राइवेट स्कूल भी होते हैं, सारे सरकारी स्कूल चवन्नी में पढ़ा करते थे, फीस माफ हुआ करती थी। हमें प्राइवेट हॉस्पिटल है ये कोई बात ही नहीं थी, कोई इक्का दुक्का बहुत पुराना ब्रिटिश के जमाने का था। लेकिन ये क्या हुआ कि आजादी के बाद जहां मुझे वो सुविधा और ज्यादा मिलनी चाहिए थी वो सुविधा गरीब से छीन ली गई है। ये कारण है कि ये एक बात हुआ करती है बहनों, जरा इसके देखिए अपने काम की बात हम सुनते हैं और ये बहुत ही काम की बात है। आप काम की बात सुन लेते हैं, काम का मतलब सिर्फ पैसे की बात नहीं होती, काम की बात ये भी बहुत काम की बात है। ये बहुत काम की बात है कि आज ये जो कारण क्या हुआ, ये जो आजादी के बाद हमारी हालात हुई है उसका कारण क्या है, ये कारण मुझे जानना है, तभी हम उसका निवारण कर सकते हैं, तभी हम उसका समाधान कर सकते हैं।